हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनल जैन आज आपको बताने जा रही हूँ स्क्वायर्स निकालना कि कैसे हम जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 25, 35, 45, 55, 65, जिसका भी यूनिट डिजिट लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर हम कितनी आसानी से, कितनी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको हमें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं लिख रहा है 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर वैसे याद करने में इजी ही होता है, पर हमें छोटे से नंबर से स्टार्ट करना है, इसलिए हम सबसे पहले 25 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि लास्ट में जो हमें 5 दिया हुआ है, जो यूनिट डिजिट हुआ है दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करके हम यहाँ लिख देते हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25, इसलिए हमने यहाँ 25 लिखा। 2 के बाद हमें सब 1 प्लस करना है, तो 2 में 1 प्लस करने पर वो हुआ 3, तो हमें इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 6, तो ये हो गया 625। 25 का स्क्वायर हुआ 625। अब हम देखते हैं 35 का स्क्वायर, वही हम जो 5 है इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हुआ 4, 4 3 जा हुआ 12, तो 35 का स्क्वायर कितना हुआ 1225। अब हम ऐसे ही 45 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 में 1 प्लस करते हैं वो हुआ 5, 5 4 जा होते हैं 20, तो इसका हुआ 2025। आपने देखा कितनी आसानी से हमने 25, 35, 45 के स्क्वायर्स निकाले। इसी तरह आप कितना भी बड़ा नंबर हो जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमने अभी देखा जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर हमने कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे अदर स्क्वायर निकालना, जैसे 53, 54, 55, 56, 57, जितने भी नंबर से उनका स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं 53 से। इसके लिए हमें क्या करना है, वही पहले वाला हमें सेम काम करना है। हमें 3 का स्क्वायर करके लिख लेना है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमें इसे 0 के पास में बनाना है, या तो हम इसे 50 बनाएं या 60 बनाएं। तो 50 ज़्यादा पास में पड़ रहा है इसलिए मैं इसे 50 बनाना चाहूँगी, इसलिए मैंने इसमें माइनस 3 की। आप जितना इसमें माइनस कर रहा है उतने इसमें प्लस भी कर दीजिए, तो मैंने इसमें प्लस 3 भी कर दिए। तो जब मैंने 53 में से माइनस 3 किए तो ये हुआ 50, और प्लस 3 किए तो ये हुआ 56। और नीचे जितनी यहाँ पे जीरो है आप उतनी यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, ठीक है। यदि यहाँ पे एक जीरो है तो लास्ट की, तो ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक जीरो है इसलिए ये 50 से कैंसिल हो गया। 56 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 56 से मल्टीप्लाई किया वो, तो वो हुआ 280, तो इसका आंसर हुआ 2809।